नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉलिटिकल थ्योरी के पहले लेक्चर में। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति ने हमें ठीक उसी तरह एक सांप की तरह जकड़ कर रखा है, जिसे कोई इंसान जितना भी निकलना चाहे वह निकल नहीं सकता है। आज उसी राजनीति की हम यहाँ पर एक नई व्याख्या की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस राजनीति शास्त्र के पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि कहीं ना कहीं फिलॉसफी, एक सोच, एक विचारधारा की बात करती है, जो हमारे साथ जो पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स की जो न्यू है, जो फिलॉसफी है, जो हमारे फिलॉसफर्स ने दी है, उस पर ये पूरी एक खास विषय बनकर आई हुई है। दोस्तों, तो आइए आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि राजनीति क्या होता है, और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि आखिर यह जो पॉलिटिकल थ्योरी विषय है, यह विषय है क्या, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का हमारी असल ज़िंदगी में, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, सामाजिक ज़िंदगी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सरकारों के गवर्नमेंट्स, गवर्नेंस के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि एट द एंड हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है। तो आइए हम आज के इस लेक्चर वन की इसी के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। एक बहुत ही प्रचलन में परिभाषा रहा है राजनीति का, पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स एक ग्रीक के वर्ड से बना हुआ है जिसे हम पॉलिस कहते हैं। आज से कई हज़ारों साल पहले, कहीं ना कहीं एरिस्टोटल, अरस्तु के समय की बात है, जब उस दौर में जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, वैसे वक्त में, वैसे समय में लोगों के बीच में जो डिस्टेंस होती थी, जो एक बंटवारे का काम करती थी, जो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री का काम करती थी, वह जंगल होती थी, फॉरेस्ट होती थी, नदी का किनारा होता था, रिवर्स होते थे, पॉन्ड्स होते थे, ये सभी होते थे। और ऐसे समय में, बहुत कम पॉपुलेशन में, जब कोई व्यक्ति अच्छा डेवलपमेंट हो जाता था, अच्छे बेनिफिट्स लेने लगता था, इन सभी प्रोसेस को एक टर्म दे दिया गया जिसे पॉलिटिक्स कहा जाता था। बहरहाल, ये एक प्राचीन भाषा की पॉलिटिक्स की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर हम आज की सोसाइटी में बात करें, आपके हमारे उम्र के बात करें, ऐसे में अगर आज पॉलिटिक्स को एक बहुत ही संकुचित टर्म में देखा जाने लगा है, आज लोग पॉलिटिक्स को समझने यह लगे हैं कि जब आप, हम कुछ भी फ़ायदे की चीज़ देखने लगते हैं दूसरों से लेकर, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आप अपने दोस्तों से कुछ बेनिफिट्स देखने लगते हैं जिसमें उनका लॉस है, तो फिर आपको दोस्तों के द्वारा इस पूरे प्रोसीजर को एक टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं वो, ये पॉलिटिक्स कर रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है, ये आपके और मेरे बीच में आ गया हुआ है, और कहीं ना कहीं बेनिफिट्स, हमारी फ़ायदे को पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है, जिसे कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर नेगेटिव व्यू लेकर चला जा रहा है पॉलिटिक्स का। आगे बढ़ते हुए वीडियो में, अब एट द एंड एक क्वेश्चन मार्क जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा होगा कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद असल पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है। आप बहुत सारे ऑथर्स के भी डेफिनेशन देख ले, चाहे वो सेल्डन वोलिन की डेफिनेशन हो, चाहे वो ओपीगाबा की डेफिनेशन हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए, लेकिन एक जो वर्ड पॉलिटिक्स है उस पर एट द एंड की कंक्लूज़न निकलता है कि पॉलिटिक्स वर्ड का कोई एक अप्रोप्रिएट, एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में जो पॉलिटिक्स वर्ड है वह अपनी डेफिनेशन को चेंज करते रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले उदाहरण में भी समझाने की कोशिश की है। अब जब एक चीज़ समय के साथ, समय के चलन के साथ अपने परिभाषा को ही परिवर्तन कर लेता है, तो उसे एक तीन चार लाइन में, कुछ अक्षर, कुछ लेटर्स में परिभाषित करना महज एक मुश्किल काम है, क्योंकि शायद मेरे लिए कुछ पॉलिटिक्स हो और आपके लिए वो कुछ और पॉलिटिक्स हो सकता है। ऐसे में पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है, यह मैं इस वक्त आपके ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ, जिसे आप कॉमेंट बॉक्स में डालेंगे।
इस पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है ये मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपकी पॉलिटिक्स वर्ड के ऊपर क्या डिफाइन आप करते हैं, आप पॉलिटिक्स वर्ड से क्या समझते हैं, मैं इससे आपसे उम्मीद रखूंगा आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। खैर आगे बढ़ते हुए जो हमारा विषय है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में जो तो वर्ड आ रहा है पॉलिटिकल और एक थ्योरी। अब पॉलिटिकल में ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है इससे तो मैंने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इज समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स दैट वी हैव अंडरस्टैंड इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ व्हेन इट्स कम्स टू थ्योरी, तो थ्योरी एक बहुत बाद वाला टर्म है। इस थ्योरी वर्ड के आने से पहले बहुत सारी स्टेप्स पीछे में छिपी हुई है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं आइडियोलॉजी, जिसे हम कहते हैं थिंकिंग, जिसे हम कहते हैं फिलॉसफी। अब आप बहुत सारी किताबों में बहुत सारे राइटर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल फिलॉसफी भी लेकर चलते हैं। जी हाँ, बहुत सारे फिलॉसफर्स पॉलिटिकल थ्योरी को पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी कुछ नहीं है, एक फिलॉसफी है, एक सोच है जिसकी जनन आइडियोलॉजी से हुई है और आइडियोलॉजी कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी से आती है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे समझना चाहें तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, जब आप राजनीति के ऊपर फिलॉसफी करना सोचते हैं, फिलॉसफिकल माइंड सेट के साथ सोचते हैं, तो वैसे में आपके अंदर एक आइडियोलॉजी, एक आइडियाज़ पनपती है और वो आइडियाज़ पनपने के बाद आपके अंदर एक आइडियोलॉजी सेटअप होती है। जब वो आइडियोलॉजी सेटअप होने आपके अंदर शुरुआत होती है तो उस आइडियोलॉजी से आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होनी शुरू होती है और वो कॉन्सेप्ट, ये जो लिखी लिखाई किताबें हैं बाकी दुनिया से कहीं ना कहीं डिफर करती है, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस उसके अंदर होती है और वो आइडियाज, वो कॉन्सेप्ट जब आप पेपर पे उतारना शुरू करते हैं तब वो बनती है थ्योरी। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक जो चैन बनकर निकल कर आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम फिलॉसफी टू थ्योरी, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल फिलॉसफी। और क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में इस थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस में इस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी, द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, द फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाउ मूविंग अहेड, आप में से बहुत सारे लोगों का अभी भी मेरे से एक सवाल होगा कि आप ये बताओ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है पॉलिटिकल थ्योरी की। ठीक है, अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो 3-4 लाइनों में होती है उसको मैं अगर ब्रीफ यहाँ पर करना चाहूँ, तो अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी जैसे वर्ड्स को अगर ब्रीफ डेफिनेशन के तौर पे करूँ तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी एक आइडियाज़ है, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, एक विषय है जो कहीं ना कहीं एक आइडियाज़ से डील करता है, फिलॉसफी से डील करता है। अब सवाल आपके ऊपर मन के अंदर ये आ रहा होगा, आपके मन में ये जनन हो रहा होगा सवाल का कि कैसी आइडियाज़, कैसी फिलॉसफीज। तो वो फिलॉसफी, वो आइडिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेप करती है, वो फिलॉसफी, वो आइडिया जो हमारे गवर्नेंस को, हमारी सरकारों को सेप करती है, हमारे सरकार के गवर्नेंस को चलाने को, सरकार के चलाने के तौर तरीकों को सेप करती है, वो फिलॉसफी जो हमारे और आपके सोशल लाइफ को सेप करती है, उस फिलॉसफी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस फिलॉसफी, उस पॉलिटिकल थ्योरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खैर एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि बात हम फिलॉसफी की कर रहे हैं और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं वो रटी रटाई भाषा पे नहीं चलती है, क्योंकि फिलॉसफी माइंडसेट के डेवलपमेंट पे चलती है और जब फिलॉसफी माइंडसेट के डेवलपमेंट पे चलती है तो फिलॉसफी हर चीज़ के ऊपर सवाल उठाना शुरू करती है, क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करती है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर कोई नहीं लगाना शुरू करता है तो वहाँ आपसे आपकी सोच बंद हो जाती है और जब आप अपना सोचना बंद कर देते हैं तो आप इनोवेशन आपकी बंद हो जाती है और फिर आप रियलिटी में, आपके अंदर चेंजेस नहीं आनी होती, आप रियलिस्टिक नहीं बन पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत ही सहज और असाधारण आप एक ऐसे उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा जो आपके बचपन से जुड़ी हुई है। उदाहरण है आप डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अगर मैं आप में से सभी लोगों से अगर एक कॉमन से डेफिनेशन पूछूं तो मैक्सिमम लोग वही कहीं सुनी हुई डेफिनेशन कहेंगे, जिसमें से एक बहुत ही प्रचलित डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन, जो कि आप 5-6 की किताबों में काफ़ी बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई आती है। अब जब मैं वहाँ पर इस डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ तो टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये 3 टर्म्स यहाँ पर मेजर फैक्टर रखते हैं। अब जनता के लिए, जनता से, जनता के द्वारा, ये सब कहीं सुनी हुई जो बातें हैं डेमोक्रेसी के लिए।
अब जब डेमोक्रेसी की यहाँ पर यह बात हो रही है, तो अगर आप फिलोसफिकल माइंड से इस डेमोक्रेसी के डेफिनेशन पर सोचना शुरू करेंगे, तो आपके महज दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि जब जनता के लिए सरकार तो मोनार्की भी होती है, डिक्टेटरशिप भी होती है। अगर सरकारें जनता के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, उस वक्त वह जनता उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती है और वह सरकार को अपना तख्त छोड़ कर जाना पड़ता है। तो फिर ये बाई द पीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो कहीं ना कहीं मोनार्की में भी स्टैब्लिश हो रहा है, ये डिक्टेटरशिप के अंदर भी स्टैब्लिश हो रहा है। देन वाई इट इज डिफाइंड लाइक दिस इन ओनली डेमोक्रेसी? कहते हैं फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू द पीपल, बाई द पीपल, फॉर द पीपल। व्हेन वी से फॉर द पीपल, अगर वो डिक्टेटरशिप पे बैठा हुआ जो लीडर है, वो मोनार्की में बैठे हुए जो राजा हैं, अगर वह जनता के लिए काम करना बंद कर दे, जनता उनके खिलाफ विद्रोह करेगी, इतिहास गवाह, इतिहास के पन्नों को पलट कर देख, काफ़ी उदाहरण है इतिहास के अंदर, जनता उनके खिलाफ विद्रोह कर उनकी तख्ता को पलट चुकी हुई है और अपनी मनचाही सरकार को वहाँ बैठाई हुई है, क्योंकि इस बार भी मोनार्की सरकार जो है वो जनता के लिए काम कर रही है। अगर जनता के लिए वह काम नहीं करेगी, तो फिर उसका भी जो तख्त है वो पलट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ये तीनों एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ये डेफिनेशन तो अंतर नहीं क्रिएट कर पा रहा है। और यहाँ से ये सोच आपके अंदर उठनी चाहिए दैट ये जो रटी रटाई डेफिनेशन जो आपके किताबों में पड़ी रहती है, आप इसके अंदर इनोवेशन लाइए, आप क्वेश्चन मार्क इन पर लगाना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर अगर आपको पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक्स में अगर कुछ डिफाइन करके जा रहा हूँ, कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, यू मस्ट क्वेश्चन माई टू मी, आपको सवाल मेरे द्वारा बोले गए चीज़ों पर लगाना चाहिए, तभी आप एक अच्छे पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफी के स्टूडेंट बन सकते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही एक फिलोसफर, एक थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट का काम होता है। खैर, विषय से ना भटकते हुए वापस मैं विषय पर आता हूँ, और अब वही तीन चीज़ों को मैं यहाँ पर जोड़ कर लाना चाहता हूँ, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। अब आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये सवाल होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और सोशल लाइफ आपने यहाँ पर बोला, पर कैसे? अब कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पहला बबल यहाँ पर दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी से रिफ्लेक्ट होकर आई है, जिसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, गांधीयन प्रिंसिपल। आप DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आपके स्टेट में जो पंचायती राज चलती है, ये कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थ्योरी, और वो थ्योरी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कार्ल मार्क्स की जो इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे भी उठाकर देखें, तो कार्ल मार्क्स की जो इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमारी रिफ्लेक्ट करती है। आप अंबेडकर की जो प्रिंसिपल थी रिजर्वेशन की, SC ST की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिफ्लेक्ट करती है, ये अंबेडकर की थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी, प्रिंसिपल थी, एंड दैट इज़ इंडेड अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आप जिससे साफ साफ यहाँ पर झलक रहा है। हमारे संविधान के अंदर जो भी चीज़ें हमारे हमें दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एक साफ साफ रिफ्लेक्शन, एक झलक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारे संविधान के अंदर किस तरह से आती है। बहरहाल, आगे बढ़ते हुए अगला बबल जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर बात करिए, सरकारें कैसे काम करती हैं। खैर, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाकर आपको इंटरलिंक्ड में कर देता हूँ पिछले बबल से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है। सरकारें किससे चलती है? सरकारें संविधान के अनुसार चलती है। जब सरकारें संविधान के अनुसार चल रही है और वो संविधान ही हमारा पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से चल रहा है, तो बेशक हमारी जो सरकार चल रही है वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी से ही रिलेटेड चल रही है। हाँ, सरकारें भी हमारी रिलेटेड पॉलिटिकल थ्योरी से ही चलती है। आप इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट निकाल कर देख ले, आप फ्रीडम का निकाल ले, आप सोशल जस्टिस का निकाल कर देख ले, आप सेकुलरिज्म का निकाल कर देख ले, ये सभी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये सभी पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। और क्योंकि ये सभी, इन सभी चीज़ों का पार्ट है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल थ्योरी रिफ्लेक्ट करती है हमारे हर तौर तरीके से, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे सोशल लाइफ के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सोशल लाइफ मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ किया, हमारा अगला बबल भी सोशल लाइफ ही है। सोशल लाइफ के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? आम जिंदगी में आज हम जो समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म की हम जो बात करते हैं, फेमिनिज्म के साथ साथ हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर से ही निकल कर आया हुआ है। इसकी जनन पॉलिटिकल फिलॉसफी के ही अंदर हुई है, इसकी जनन पॉलिटिकल थ्योरी के ही अंदर हुई है। दूसरी तरफ हम जो आज बात करते हैं
सोशल लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में, और भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आज राजनीति का माहौल इतना गर्म हो चुका हुआ है, एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भले ही वो हो या ना हो, उसे हर आए ज़िंदगी में पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिबेट्स, डिस्कशंस, वो खासकर पान की गुमटियों और चाय की दुकानों पे फेस करना पड़ता है। और ऐसे समय में अगर आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अच्छी हो तब आप उन्हें फेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ में भी हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। खैर, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जो एक आखिरी टॉपिक है हमारे आज इस वीडियो का, दैट व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि क्वेश्चन मार्क लगाना आप सीख जाइए। क्वेश्चन मार्क तीन तरीके से लगती है, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ये चार पांच तरीके। ये W जो वर्ड है ना, ये बहुत ही एक आपके अंदर सोचने की एबिलिटी को बढ़ाता है। व्हाट, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फिलॉसफी। आपकी थिंकिंग को डेवलप करता है, अप्रोच आपके अंदर लाता है। और अगला जो हमारे साथ टर्म है, दैट व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते क्या है, दैट इज़ द मेजर टर्म। तो जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम पढ़ते क्या है, देन वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम मूवमेंट, डेवलपमेंट और हमारे आसपास हो रहे चेंजेस की बात करते हैं। क्योंकि चेंजेस हमारे आसपास जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी से ही रिलेटेड है। और अगर हम इसके डीप में जाएं तो जो वैल्यूज़ है, जो प्रिंसिपल है, जो हमारे लोगों को इंस्पायर कर रही है आज के वक्त में, हम उन वैल्यूज़ और प्रिंसिपल की बात करते हैं। कौन सी वैल्यूज़, फ्रीडम की वैल्यू, इक्वालिटी की वैल्यू, डेमोक्रेसी की वैल्यू, जिस डेमोक्रेसी के अंदर हम और आप रह रहे हैं, वो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल थ्योरी, एक फिलॉसफी, किसी के सोच, किसी की विचारधारा की देन है। हम फेमिनिज्म की जो बात की जाती है, वो फेमिनिज्म की बात करते हैं। फेमिनिज्म जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, उस फेमिनिज्म के बारे में हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। सोशल जस्टिस की हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बात करते हैं। और हम उस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान की नींव की बात करते हैं, क्योंकि वो संविधान की जो नींव है, हमारा जो संविधान बनकर आया हुआ है, वो संविधान कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के तौर तरीके पे बना हुआ है, इक्वलिटी पे बना हुआ है, फ्रीडम पे बना हुआ है, और बहुत सारे फिलॉसफीज पे मिलकर बना हुआ है, और फिलॉसफी से मिलकर बना है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी से मिलकर बना हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को समअप कर हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, बेशक डाउट होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं क्या, पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो फिर आपका पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना महज कोई कामयाबी की तरफ आपको नहीं लेकर जाएगा। खैर, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो यह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।